are going to discuss Ohm's law and its derivation. So first of all, we have to understand that what is Ohm's law. What is the meaning of Ohm's law? According to Ohm's law, let us take a conductor और हम लोग अगर उसके फिजिकल conditions चेंज ना करें, that is temperature, pressure, तो volume, तो उसका फिजिकल अगर हम लोग कंडीशन चेंज नहीं करेंगे तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इट्स करंट की. वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. हिंदी वी कैन से दैट कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसके मध्य लगाया गया विभवांतर धारा के समानुपात में होता है. दैट इज अगर आप करंट इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेंगे तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा. और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. वी अपॉन आई इक्वल टू आर, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ. अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे. आज डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट आई इक्वल टू एन ई ए वी डी. वी नो दैट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और करंट में एक रेशियो होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी. हम लोग पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और वो यहां पर पुट करेंगे तो हम लोगों का करंट आ जाएगा. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले केस में हम लोगों ने देखा था, लेट अस टेक दिस इज अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एल. ओके, तो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे जब इसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो क्या होता है. जब हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो वी नो दैट एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है अपने को पता है 1.6 इंटू 10^-19, उसको हम लोग ई लिख सकते हैं, एंड इंटू कैपिटल ई. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज एफ विल बी इक्वल टू ई इंटू ई. वी नो दैट ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट दैट इज कैपिटल वी एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज एफ विल बी इक्वल टू ई वी अपॉन एल. सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इनका मास एम होगा, देन एफ विल बी इक्वल टू एम ए, एम ए इक्वल टू ई वी अपॉन एल. बाय दिस वी कैन गेट ए इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल. यहां से हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाता है एंड दैट इज ए इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल. ठीक है, अभी जब हम लोग जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हम लोगों ने नहीं लगाया था तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडम मूवमेंट कर रहे थे. ठीक है, इनका रैंडम मूवमेंट था, किसी की वेलोसिटी इधर थी, कोई ऊपर मूव कर रहा था, कोई नीचे मूव कर रहा था, रैंडम वेलोसिटी ऑल डायरेक्शंस में मूव कर रहे थे. सपोज उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 अप टू un थी और जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. तो अगर हम लोग इनकी वेलोसिटी निकालेंगे बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस u2 अप टू un अपॉन n, n प्लस a और इनटू tau. tau क्या होता है कि जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको श्रांति काल, तो जब टक्कर्स होती रहते हैं, कोलिजन होता रहता है, तो जब ये एक कोलिजन में सेफ चल पाता है, दैट इज टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है, इट इज कॉल्ड tau. तो vd विल बी इक्वल टू ए tau, दैट इज ए की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन में, तो ये तो एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में इनकी वेलोसिटीज थी ऑल डायरेक्शन में थी, तो इनके एवरेज जीरो हो जाएगा. तो vd विल बी इक्वल टू ए tau, ए की वैल्यू हम लोग रख देते हैं ev अपॉन ml इनटू tau. नाउ वी कैन गेट इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 1 वी गेट I इक्वल टू एन ई ए वी डी दैट इज ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ. आई विल बी इक्वल टू
एन ई स्क्वायर ए वी अपॉन एम एल इंटू टर्म। यहां पर हम लोग आई को उस साइड ले जाते हैं, बाकी सब इधर रखते रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई विल बी इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टर्म। हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगी तो ये सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, दैट इज वी अपॉन आई विल बी इक्वल टू आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो बाय दिस वी कैन गेट ओम्स लॉ, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ डेरिवेशन एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड। थैंक यू।